अपकमिंग सितंबर 2023 गोल्ड पास हीरोज स्किन। यस गाइस, आपको कौन सी हीरोज स्किन देखने के लिए मिलेगी इस मंथ, यानी कि जो हमारा सितंबर मंथ आने वाला है उसमें, एंड क्या आपको फ्री में कोई न्यू सीनरी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि गाइस सीनरी आए गोल्ड पास में काफी टाइम हो चुका है, तो क्या आपको इस बार मिलेगी। एंड गाइस, जो गोल्ड पास की हमको न्यू स्किन देखने के लिए मिलेगी हीरो की, तो गाइस वो कौन से थीम पे यहाँ पे रहेगी, एंड क्या उसका मतलब यहाँ पे सेट चेंज होगा, सब कुछ मैं आपको कम्प्लीटली इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। एंड ये स्किन आप लोग हाँ कन्फर्म मान सकते हो, इस बार आपको क्या मतलब किंग की स्किन मिलेगी या फिर आपको क्वीन की मिलेगी या फिर रॉयल चैंपियन या फिर वार्डन की, सब कुछ हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, तो बस आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो गाइस सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या हमको सीनरी देखने के लिए मिलेगा या फिर मतलब हीरोज की स्किन देखने के लिए मिलेगी। तो गाइस मतलब सीनरी भी आपको मिल सकता है, इसका 20% चांस है, एंड 80% चांस आपको हीरो की स्किन का है, क्योंकि गाइस सीनरी हमको काफी टाइम से मतलब गोल्ड पास के अंदर देखने के लिए नहीं मिली, बट गाइस हीरो की स्किन का भाई इसका काफी ज्यादा चांसेस है, इस बार भी आपको यहाँ पे हीरो की स्किन देखने के लिए मिल सकती है। बट हाँ 20% चांस सीनरी का भी है, सीनरी भी आ सकती है इस गेम के अंदर अगर इस बार पॉसिबल हुआ तो, बट 80% चांस सिर्फ आपको हीरो की स्किन का ही है। तो अभी हम लोग सिंपल सा हीरो की स्किन के बारे में बात करते हैं, भाई हमको कौन सी न्यू हीरो की स्किन देखने के लिए मिलेगी। तो गाइस मैंने यहाँ पे कुछ पिछले मंथ का यहाँ पे पैटर्न निकाला है, एंड आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, हमको मतलब भाई यहाँ पे अप्रैल मंथ के अंदर हमको डार्क एजेस वार्डन मिला था, एंड मई के अंदर आपको डार्क एजेस किंग मिला था, एंड जून के अंदर आपको गोब्लिन क्वीन मिली थी, एंड जुलाई के अंदर भाई गोब्लिन किंग, एंड अगस्त मंथ जो भी चल रहा है इसके अंदर आपको फ्यूचर वार्डन मिला था, यानी गाइस आपको यहाँ पे किंग क्वीन एंड वार्डन की स्किन मिल चुकी है। एंड गाइस जो हमारे रॉयल चैंपियन की स्किन थी वो हमको लास्ट जनवरी में मिली थी भाई वॉरियर चैंपियन करके, तो भाई उसको कम से कम यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यानी कि 6 से 7 महीने उसको कंप्लीट हो चुके भाई। तो गाइस आप लोग इससे मतलब यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो कि इस बार आपको यहाँ पे मतलब रॉयल चैंपियन का स्किन ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि गाइस 100% आप इसको कंफर्म मान सकते हो, क्योंकि हमको भाई 7 महीने हो चुके हैं मतलब रॉयल चैंपियन की स्किन गेम में आए हुए, तो गाइस इस बार आपको रॉयल चैंपियन का स्किन देखने के लिए मिलेगा। एंड भाई अब बात करते हैं रॉयल चैंपियन की, जो हमको न्यू स्किन देखने के लिए मिलेगी भाई, इसका थीम क्या रहेगा, मतलब किस टाइप का डिजाइन रहेगा इसका। तो गाइस आपने एक बात नोटिस की होगी कि हर 2 से 3 महीने के अंदर हमको एक न्यू सेट देखने के लिए मिलता है। गाइस हमको सबसे पहले यहाँ पे वॉरियर चैंपियन का सेट मिला था, यानी कि डार्क एजेस का सेट मिला था, उसके बाद में आपको यहाँ पे गोब्लिन का सेट भी मिल चुका है, एंड आपको भाई अभी हमारा फ्यूचर वार्डन का सेट चल रहा है, एंड ये भी भाई ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म होने वाला है। तो गाइस इस बार सितंबर मंथ के अंदर आपको न्यू सेट देखने के लिए मिल सकता है, एंड भाई इसके हिंट भी हमको क्लैश ऑफ क्लैन वालों ने ऑलरेडी दे दिया है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, तो बस आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना। तो गाइस अगर आप लोग हमारे यहाँ पे गेम की लोडिंग स्क्रीन देखोगे, तो गाइस आपको यहाँ पे सबसे मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आपको देखने के लिए मिलेगा चेस का न्यू डिजाइन, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे चेस की गोटियां वगैरह एंड बहुत कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। एंड ये तो भाई अभी तुमको और भी बहुत सारे हिंट मिले वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस आप लोग यहाँ पे इस पोस्ट को देखो भाई, बार्बेरियन के हाथ में एक यहाँ पे बुक है, एंड उस बुक के ऊपर क्या लिखा है आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो भाई, चेस रूल 1। तो गाइस आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी हमको कुछ ना कुछ हिंट मिला है, एंड गाइस इससे रिलेटेड हमको और भी बहुत सारे हिंट मिले। अगर आप क्लैश ऑफ मतलब क्लैश रॉयल के यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे ना ट्विटर पे, तो गाइस आप लोग यहाँ पे भी एक पोस्ट देख सकते हो, मतलब 7 सितंबर के दिन मतलब क्लैश ऑफ क्लैन एंड चेस वालों का कोलैबोरेशन होने वाला है, जो कि मतलब चेस की ऑफिशियल वेबसाइट ने भी यहाँ पे मतलब बता दिया हमें, आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हो जो कि मैंने अटैच कर दिया है। ओके तो आप लोग देख सकते हो भाई हमको चेस से रिलेटेड काफी ज्यादा हिंट मिल रहे हैं, यानी गाइस जो भी हमको न्यू डिजाइन या फिर न्यू इवेंट कुछ भी गेम में आएगा ना। एंड हाँ गाइस मैं आपको एक बात तो बताना भूल गया कि 7 सितंबर के दिन हमारे गेम के अंदर न्यू इवेंट भी देखने के लिए आपको मिलेगा, क्योंकि गाइस 7 सितंबर के दिन भाई कोलैबोरेशन है, तो उसके मतलब इवेंट पे तो हमको कुछ ना कुछ तो देखने के लिए मिलेगा गेम के अंदर, एंड जो हमको न्यू डिजाइन न्यू थीम मिलेगा ना वो आपको चेस से रिलेटेड मिलेगा। एंड एक और मैं आपको काफी तगड़ा हिंट दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई जो हमारी फ्यूचर सीनरी है ना, इसके अंदर आप लोग देख सकते हो भाई यहाँ पे चेस टाइप का कुछ हमको गोटे टाइप का दिख रहा है भाई, चेस के अंदर जो गोटे होती ना कुछ ऐसे ही हमको यहाँ पे हिंट मिल रहा है, जो मतलब हमारी क्वीन है उसके नीचे आप लोग देख सकते हो, जो मतलब हमारी रेजर लाइट चल रही है वो मतलब कुछ इसी टाइप की दिख रही है हमको। तो गाइस 100% आप लोग इसको कन्फर्म तो मान सकते हो कि गेम के अंदर अगर न्यू सीनरी आई या फिर न्यू हीरो की स्किन आई, तो गाइस आपको कुछ मतलब चेस टाइप का ही डिजाइन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि गाइस चेस से रिलेटेड हमको काफी ज्यादा हिंट मिल चुके हैं, जो कि मैंने सारे आपको इस वीडियो के अंदर कवर कर दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना गाइस, अगर चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड आपको क्या लगता है गाइस कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर से बताना। बाय द वे मिलता हूं आप लोगों से जल्द अपने नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।